Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. Hi guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely fine. Guys, आज है 13th of Feb और कल मनाया जाता है प्यार का दिवस, that means Valentine's Day. और उसी बात पे मैंने नेहा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ आज सुबह सुबह मंगवा लिया, जो कि ऑलरेडी आ गया है घर पे. मतलब मैंने मेन गेट पे रखने को बोला, क्योंकि मैं जाके खुद लूँगा और नेहा को सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि मैं आया था बाहर थोड़ा बियर वगैरह करवाने, तो पता चला मैं इधर ही रह गया और वो घर पे पहुंच गया. और जब से शिनाया हमारी लाइफ में आई है तो नेहा बहुत बिजी हो गई है उसके साथ, तो मैंने सोचा कि आज उसको थोड़ा सरप्राइज़ देते हैं. शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको इसका बिल्कुल पता नहीं था कि ये आने वाला है. और लंच हम उसके बाद जाएंगे, वो नेहा को पता था क्योंकि उसी से डिस्कशन हुआ था कि आज लंच पे चलते हैं. प्रॉब्ली पहले सोचा था शिनाया को छोड़ के जाएंगे, बट अभी डिसाइड किया उसको साथ में लेके जाते हैं. मम्मी पापा को भी साथ में ले जाएंगे, क्योंकि वो सोती रहती है तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं उसके आने से साथ, ऐसा तो है नहीं, वो तंग करती है बेचारी हमें. तो यस, अभी जल्दी से बियर्ड वगैरह करवा के जाता हूँ. लेट्स सी नेहा का क्या रिएक्शन होने वाला है आज. ये सो गाइज, फाइनली वो पर्सन आ गया है जो मैंने नेहा के लिए स्पेशल बनवाया है. किसी से मैं डिटेल देता हूँ किससे बनवाया. नो, आई एम रियली एक्साइटेड. और इस लिफ्ट में जो बॉडी इतना पंप दिखती है ना, ये सिर्फ लिफ्ट के मिरर का कमाल है. लेट्स सी. एक और बार बेल मार देता हूँ. टेन टेन देखो देखो क्या क्या है. देखो, खोलो 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 इसको, खोलो तो सही. अब भी खाएंगे मतलब, उधर खोलो ना, लाइट में अच्छे से दिखेगा. अभी तो अभी खाना पड़ेगा. खा लेंगे, उसमें क्या हो गया, खाने के लिए मंगवाया है. सोना को लाते हैं पहले, देखो तो सही. And there is my baby girl chilling. You know what's up? Look at your new dress. क्या पहना है आज, दिखाओ जरा. Oh my first Valentine's Day, Shania. Hello, hello, goodie, daddy, hello. Mangai dua mama. So guys, ये जो मैंने स्पेशल वैलेंटाइन हैम्पर बनवाया है मेरे फ्रेंड फलक से बनवाया, जिसका कि अंधेरी में इटालियन किचन के नाम से एक रेस्टोरेंट है. और जब भी कोई ऐसा यू नो कुछ भी आता है लाइक वैलेंटाइन्स हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक आइडिया लेकर आती है. तो उसने मुझे बताया था. एंड थैंक यू सो मच फलक फॉर सेंडिंग दिस ऑल द वे फ्रॉम अंधेरी टू नवी मुंबई. एंड नेहा को ये बहुत ही पसंद आया. नाउ वी कांट वेट टू ईट ऑल दिस स्टफ. हाँ बेबी, आपको नहीं दे सकते. शनाया ऑल्सो वॉन्ट्स इट, बट आपको दूधू मिलेगा इसके बाद. लेके जानी जाएगा मेरी बात, हर तेरा बहाना हुआ. तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ. मैं तो खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना. सो गाइज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स आ गए हैं. सो इनका संडे स्पेशल एक ब्रंच होता है, तो अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं, यू कैन ट्राई इट एनी टाइम. इट्स इन वाशी. दे हैव अ थ्री ऑप्शंस फॉर संडे ब्रंच. वन इज़ फॉर 700, 1000 एंड 1500. अभी हम लोग जाएंगे, देखेंगे सब में क्या क्या ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग. सो बहुत टाइम से हमें ये एक्सप्लोर करना था इनका संडे ब्रंच, तो सोचा आज करते हैं. सो ये सारे ऑप्शन हैं इनके पास ब्रंच में. और ये इनके प्राइस है 700 और एक 1500, दैट इंक्लूड्स योर अल्कोहल आल्सो. और कुछ इस तरह से इन्होंने सेटअप किया है, रियली ब्यूटीफुल वैलेंटाइन डे का ये सेटअप है.
एंड दे हैव अ लाइव म्यूजिक आल्सो, सो गाइस एक बार तो जरूर आओ संडे को यहाँ पे. Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about. Is ये उनका outdoor sitting area है. अभी थोड़ा गर्मी है, so maybe हम लोग अंदर बैठेंगे. But मैं आपको बाहर का tour देता हूँ. इन्होंने कितना beautifully इसको setup किया है. एक बार तो brunch के लिए आओ यार, guys. कोई पेड़ नहीं है ये, मैं अपनी खुशी से बोल रहा हूँ. काश ये पेड़ होता हमारे लिए, बट आ जाओ आपको दिखाते हैं उन्होंने कैसा डेकोरेट किया है. शनाया फाइनली वोक अप एंड शी इज लुकिंग एट द प्लेस कि मैं कहाँ आ गई हूँ. Some beautiful live music playing, really romantic songs, and look, she's smiling. दोपहर को आए थे गाइज, शाम हो गई, इट्स ऑलमोस्ट 5 एंड वी आर डन विद द लंच. अभी थोड़ा बाहर भी वेदर अच्छा हो गया है, अभी थोड़ा फोटोज वगैरह लेंगे एंड देन वी विल गो बैक होम. हाय गाइस, सो आप लोगों ने सुना होगा कि नवी मुंबई से अब यू नो वॉट अबाउट टैक्सी स्टार्ट हो रही हैं. सो आई थॉट मैं आप लोगों को, जो लोग नवी मुंबई में नहीं रहते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो बोट टैक्सी कौन सी स्टार्ट हो रही हैं. सो JNPT से एक स्टार्ट हो रही है, एक स्टार्ट हो रही है बेलापुर से. सो जो अभी जहाँ पे मैं हूँ दैट इज़ बेलापुर एंड हम भी यहीं पे नज़दीक ही रहते हैं. तो वेट, लेट मी शो यू फर्स्ट. तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा डेक रेडी हो चुका है. आप यू कैन सी वहाँ पे एक बोट टैक्सी भी खड़ा हुआ है. तो ये ऑलमोस्ट फेबररी 17 जनवरी में पहले PM ने इसका इनॉग्रेशन करना था, बट अब शायद 17 को बोल रहे हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा. यू कैन सी पूरे बोट्स यहाँ पे रेडी रहते हैं. ये भी हैं कुछ ढके हुए, शायद इनको बाद में ओपन करेंगे. तो यस, ये है. प्लस यहाँ से जो है वो 3 रूट फाइनल हुए हैं, बेलापुर टू अलीबाग, बेलापुर टू एलिफेंटा केव एंड बेलापुर टू गेटवे. ये 3 अभी तक फाइनल हुए जितना मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर, बट जितना मैंने पढ़ा. और इसका फेयर समथिंग 800 बोलते, एलिफेंटा केव का होगा आना जाना रिटर्न, बट आई एम नॉट श्योर आगे और पता चलेगा. बट आई थिंक दिस इज अ गुड सर्विस, बट रेगुलर ट्रैवल के लिए आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स बिट एक्सपेंसिव. ओके, रेगुलर ट्रैवल के लिए, बट हाँ कभी जैसे किसी को अलीबाग जाना हो और किसी को एलिफेंटा केव जाना हो, उनके लिए इट्स गुड डील. मतलब यू कैन सी, यस. और यहीं से एक JNPT में भी है, JNPT नेहरुल, वहाँ से भी चली हैं, बोट टैक्सी स्टार्ट हुई हैं. नेक्स्ट जो है वो बेलापुर से स्टार्ट होने वाली है. सो जो लोग नहीं नवी मुंबई में रहते, आई थॉट उनको एक बार दिखाऊँ कि कहाँ से ये सर्विस स्टार्ट होने वाली है. सो इसका जो एंट्रेंस जो होगा वो कुछ ऐसा है, अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. आपको दिखाता हूँ इसका एंट्रेंस. सो ये इसका एंट्रेंस बना है, यहाँ से एंट्रेंस होगा इसका. अभी अंदर जाना अलाउड है नहीं वैसे, बट मतलब अभी तो आज गेट खुला है वैसे, अदरवाइज गेट बंद रहता है. लेट मी ट्राई एक बार अंदर जाके, एक बार देखता हूँ अगर जाने दिया तो. सो गाइज ये है कुछ अभी तक इस प्रकार, थोड़ा सा काम बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन दे आर ऑल सेट टू स्टार्ट. हाय गाइस, तो आज है सैटरडे और हम ट्राई कर रहे हैं एक नई प्लेस इन नवी मुंबई. इट्स कॉल्ड द पाम बीच कैफे इन सानपाड़ा ऑन पाम बीच रोड इटसेल्फ. तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई जस्ट शो यू अराउंड. Has both indoor and outdoor sitting. You can check outside, you can sit outside as well, and indoor sitting is right here. Or food, they are pure vegetarian, but they serve all fancy stuff. You get Italian, you get Mexican, you get Lebanese, and all form of cuisines here, but in pure vegetarian.
And you also get draught beer, so you can definitely come and check it out. They have multiple flavors in draught beer, so it's a very interesting place and a very new one, so you should definitely check it out. Shania is having her own food. By the time we'll enjoy our own food. बहुत ही मजा आता है ना? बोलो आपको क्या बोलना है, बोलो बोलो, करो ब्लॉगिंग, बोलो बोलो। Nice weekend you had. Interesting weekend. Saturday night. Anju, batao. Sorry for being a man.